लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्पीड ऑफ साउंड के बारे में बात की थी कि हम लोग स्पीड ऑफ साउंड को किस तरीके से डिटेक्ट कर सकते हैं। हमने बोला था कि जो स्पीड ऑफ साउंड है किसी भी मटेरियल के लिए, हम उसे अंडर रूट ई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम से मालूम कर सकते हैं। मुख्य साइंटिस्ट ने स्पीड ऑफ साउंड को मालूम करने के लिए अपने अपने फार्मूलाज दिए, जिनमें से एक न्यूटन फार्मूला था। न्यूटन ने क्या कहा, न्यूटन ने अपना ये फार्मूला पेश किया कि उसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड है उसे हम लोग प्रेशर ऑफ दैट मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम जो भी था उससे, उसने कहा कि हम इस तरीके से स्पीड ऑफ साउंड को फाइंड आउट कर सकते हैं। जिस तरह से किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ चीज़ को स्टैंडर्ड मानना पड़ता है और कुछ ना कुछ कंडीशंस उसमें लगाना पड़ती है, इसी तरह न्यूटन ने भी किया। न्यूटन ने अपने इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए बॉयज लॉ को अपना स्टैंडर्ड मान लिया। उसने जो है बॉयज लॉ को स्टैंडर्ड मान लिया और बॉयज लॉ के मुताबिक उसने कहा कि जो टेम्परेचर है साउंड की प्रोडक्शन के दौरान जो टेम्परेचर होगा उस उसने कहा कि कांस्टेंट मान लिया, उस टेम्परेचर को उसने कांस्टेंट रख लिया। उसे मालूम था कि जो स्पीड और जो साउंड होती है वो दो पार्ट से कंसिस्ट होती है। एक, जिस तरह से बॉयज़ ने ये कहा था कि अगर किसी चीज़ का प्रेशर जो है वो बढ़ा दिया जाए तो उस चीज़ में रखा हुआ वॉल्यूम, जैसे कि अगर ये हमारे पास बीकर है और इसका ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर तो नॉर्मल प्रेशर पर ये हमारा प्रेशर टी है, अगर नॉर्मल प्रेशर है तो हमारे वॉल्यूम में कोई इंक्रीज नहीं करेगा, मतलब अगर हम प्रेशर बहुत ही कम अप्लाई करें तो हमारा वॉल्यूम जो है इस बीकर के अंदर वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन लेट्स सपोज कि अगर आप यूं करें कि आप जो है एक बार के जरिए, जो एक बार रखा है इसी जगह आप दो बार रख लीजिए, प्रेशर बढ़ा दें, तो होगा ये कि आपका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा। डिक्रीज इस सेंस में कि वो ज़्यादा जगह ऑक्यूपाई करना शुरू हो जाएगा और उसकी लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। जैसे कि आपको याद हो तो हम लोगों ने पास्कल्स लॉ में हाइड्रोलिक प्रेशर वगैरह पढ़ा था, तो तब तो ये होता था कि जब माया पे प्रेशर बढ़ाया जाता था तो वो जो प्रेशर है वो किसी दूसरे साइड पर मुंतकिल हो जाता था। लेकिन अभी सिर्फ हम ये समझ रहे हैं कि हमने प्रेशर बढ़ाया और वॉल्यूम कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेशर है उसका वॉल्यूम जो है उसका प्रेशर के साथ इनवर्सली रिलेशनशिप है अकॉर्डिंग टू बॉयज लॉ, जब हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखें। इस चीज़ को अपना मेन पॉइंट मानकर जो है न्यूटन ने अपना काम स्टार्ट किया। न्यूटन ने कहा कि जब साउंड के ऊपर प्रेशर नहीं है, यानी कि अगर साउंड किसी जगह किसी मीडियम में प्रोड्यूस हो रही है तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा प्रेशर P1 है तो इस वक्त जो इस हमारी जो साउंड है जिस भी मीडियम के अंदर पैदा की जा रही है, जैसे कि अगर एयर को ही कंसीडर कर लिया जाए कि एयर के अंदर प्रोड्यूस की जा रही है, तो उस वक्त उसका वॉल्यूम भी है क्योंकि हमने प्रेशर बढ़ाया ही नहीं, तो जो वॉल्यूम था जैसा है वो वैसा ही है। और लेट्स सपोज कि आप ये करते हैं कि आप किसी तरीके से जिस मीडियम के अंदर आप आवाज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका प्रेशर बढ़ा दें, यानी कि आपने जो आपका प्रेशर P2 है उसे P1 + ∆P कर दें, उसमें कुछ ना कुछ एडिशन कर दें, आपको नहीं पता कि आपने कितनी एडिशन की लेकिन कुछ एडिशन कर दीजिए जो कि ∆P होगी। अब इस एडिशन होने से या इस प्रेशर को इंक्रीज करने से आपके वॉल्यूम पर ये इफेक्ट पड़ता है कि आपने वॉल्यूम जो प्रेशर है वो बढ़ाया है, और आपको मालूम है कि अगर प्रेशर बढ़ाया जाए तो जो वॉल्यूम है वो कम होता है। अब वॉल्यूम V2 जो है वो कम किस तरह से होगा, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में बहुत बहुत ज़्यादा नज़दीक आना शुरू हो जाएंगे, इनका वॉल्यूम जो है बढ़ना शुरू हो जाएगा और फिर थोड़े वक्त के बाद आपका रेयरफैक्शन आ जाएगा, फिर आपका कंप्रेशन आ जाएगा जिसमें आपकी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाएंगे, यानी कि इनका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो आप जो V2 वॉल्यूम है उसे इस तरह से लिख सकते हैं कि आपका V2 वॉल्यूम जो है पहले वॉल्यूम में कुछ ना कुछ जो है डिक्रीज हुआ है। इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर मैंने प्लस लगाया और यहाँ पर माइनस। इसकी रीज़न ये है कि प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, प्रेशर P1 में जितना भी एडिशन करेंगे हम लोगों ने वो एडअप किया यानी प्लस किया किसी भी ∆P को, लेकिन चूंकि वॉल्यूम जो है हमारा प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम को तो कम होना ही है क्योंकि बॉयज़ लॉ के अकॉर्डिंग यही होता है, तो जब वॉल्यूम कम हो रहा है तो मुझे V1 में से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जितना भी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है। अब अगर बॉयज़ लॉ अप्लाई किया जाए जो कि ये है कि P1 V1 = P2 V2, ये हमेशा इसी के इक्वल आता है। P1 के बारे में हमें मालूम है कि वो सिंपली P है,
V1 के बारे में भी मालूम है कि वो सिंपल V था, जब कोई प्रेशर नहीं बढ़ाया गया, कोई भी वॉल्यूम में चेंज नहीं आया। लेकिन जैसे ही हमने अपना प्रेशर बढ़ाया, यानी कि P2 की बारी आई, तो वो पहले प्रेशर में कुछ ना कुछ एडिशन कर कर आया था, जो कि डेल्टा P थी। सिमिलरली हमारा वॉल्यूम कम हो गया था, जो कि पहले वॉल्यूम V1 में से कुछ ना कुछ कम हुआ होगा, जिसे हम लोगों ने डेल्टा V लिख दिया। अब सिंपली इन्हें आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास PV है, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो P1 V1 आ जाएगा। P1 V1, इसे P1 V1 को आप सिंपली जो है वो P भी लिख सकते हैं, 1 ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा पहला प्रेशर और वॉल्यूम सेम ही था। उसके बाद इस P को मल्टीप्लाई कीजिए इस चीज के साथ। इसके साथ करने से हमारे पास यहाँ पर जो है नेगेटिव साइन आना चाहिए, P∆V, और P+∆P×V इसी तरह से होगा, और उसके बाद प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ∆P×∆V आपके पास आ जाएगा। अब ये देखा जाए तो ये वाला PV इस PV से कैंसल आउट हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम है। और दूसरी जो चीज इस इक्वेशन में इम्पोर्टेंट है, वो ये कि आप इस माइनस साइन को इस तरफ ले आइए, यहाँ पर आके ये P∆V=∆PV हो जाएगा। और एक और बात पे नोट कीजिए कि जो ∆P है, यानी कि हमारा इंक्रीज इन प्रेशर, वो मामूली सा हुआ होगा, हमने थोड़ा सा ही इंक्रीज किया, सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, देखने के लिए कि आया वाकई ही हमारे वॉल्यूम में डिक्रीज आता है या नहीं। और जो वॉल्यूम में डिक्रीज आया होगा, वो भी तो थोड़ा सा माइन्यूट ही आया होगा। तो अगर आप इस चीज को, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, कुछ काम करने के लिए, बाज़ औक़ात आप लोगों को कुछ ना कुछ इग्नोर भी करना पड़ता है, क्योंकि आपको मालूम है, और इग्नोर करने के पीछे कोई ना कोई रीजन होनी चाहिए। हमें मालूम है कि हमारा ∆P और ∆V बहुत ही छोटे हैं, बहुत ही स्मॉल, इन्हें हम लोग अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ले सकते हैं। अगर इन्हें अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो ले लिया जाए, जीरो के इक्वल ये ले लिया गया, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो P∆V=∆PV आ जाता है। और अगर आप इसे यूं कर लीजिए कि P इधर ही रहने दें, और ∆PV/∆V कर दीजिए, यानी कि इस तरह से इक्वेशन बना लीजिए कि सिंपल प्रेशर का फॉर्म आ जाए। प्रेशर को हम लोग इसलिए हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि न्यूटन ने अपने फॉर्मूले में प्रेशर को डाला हुआ है, इसलिए हम लोगों को प्रेशर के लिए एक्सप्रेशन निकालना पड़ रहा है। अब अगर मैं इस तरह से करना चाहूँ, देखते हैं कि मेरा ये काम सही होता भी है या नहीं, लेकिन चले करके देखते हैं कि इस तरह से हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। अगर मैं इस वी को, जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही है, इसे यहाँ लाके डिवाइड कर दूँ इस तरीके से, ∆P है और वी ∆V के नीचे लाके यहाँ से वी को उठाकर यहाँ रख दूँ, तो मैं इस तरह से कर सकती हूँ, क्योंकि इस तरह से मेरे पास बहुत ही सिंपल फॉर्म बन जाती है। आपको मालूम होगा कि जो प्रेशर है, प्रेशर में चेंज है, तो इसका मतलब होता है ये उस वक्त आ रहा है जब फोर्स अप्लाइड हो रही है किसी यूनिट एरिया पर। तो इसका मतलब है उस मीडियम पर जो है प्रेशर लग रहा है, यानी कि प्रेशर को हम लोग फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया की फॉर्म में लिख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि ∆V/V, मतलब कि चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसे तो हम लोग मॉडुलस ऑफ इसे हम लोग जो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कहते हैं ना, कि किसी चीज में जो चेंज आए डिवाइडेड बाय उस चीज की ओरिजिनल वैल्यू जो है, उसे हम लोग जो है स्ट्रेन कहते हैं। तब चूंकि वॉल्यूम में चेंज आया, तो मुझे इसे कहना चाहिए कि ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। और जो स्ट्रेस है, वो फोर्स डिवाइडेड बाय यूनिट एरिया होता है, इसे मैं लिख सकती हूँ ना कि ये हमारा स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन का फॉर्मूला बन गया है। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था कि वी को डिवाइड करके देखते हैं कि कोई हमारे पास इजी फॉर्म आती भी है या नहीं। तो इसे डिवाइड करने से हमारे पास काफी हद तक इजी हो जाता है कि हमारे पास जो प्रेशर है हमारे पास, वो हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई के इक्वल आ जाता है। यही तो मैंने आपसे कहा था कि इस चीज के बारे में कंफ्यूज नहीं होना कि टी ई के इक्वल कैसे होता है। तो इस तरीके से हमने वाकई सॉल्व कर लिया कि बॉयल्स लॉ को स्टैंडर्ड मान के टेम्परेचर को कांस्टेंट रख कर हमने साबित कर दिया कि जो प्रेशर है वो वाकई ही ई के इक्वल होता है। न्यूटन ने जो अपने फॉर्मूले में कहा कि पी इक्वल टू ई है, वो वाकई इस फॉर्मूले से प्रूफ हो जाता है कि जो प्रेशर है उस मीडियम का, उसे हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के इक्वल ले सकते हैं। अगर अब इस चीज़ को मैं यहाँ पर पुट करूँ इस फॉर्मूले में, जो कि वी आर जो कि स्पीड ऑफ साउंड का है,
ई डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ द मीडियम। इसलिए अब हमें इस तरह से लिखना चाहिए, न्यूटन के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड का अब फार्मूला जो है वो प्रेशर डिवाइडेड बाई डेंसिटी ऑफ दैट मीडियम आना चाहिए। अब जो प्रेशर है, अगर जब न्यूटन ने ये फार्मूला परफॉर्म किया, ये फार्मूला जो है निकाला, तो उसने बकायदा इनकी वैल्यूज भी पुट करके देखी कि इनकी वैल्यू में, और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज फाइंड आउट की गई है स्पीड ऑफ साउंड की एयर के अंदर, उनकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आता है। जो प्रेशर है, न्यूटन ने इस प्रेशर की वैल्यू जो है वो 101325 पास्कल रखी, क्योंकि हमें मालूम है कि जो प्रेशर है इतने पास्कल के इक्वल है। और जिस भी मीडियम के अंदर न्यूटन ने परफॉर्म किया, जैसे कि अगर वो एयर है, तो उस वक्त 1.29 जो इसकी डेंसिटी थी उस मीडियम की। तो जो इस तरीके से न्यूटन ने स्पीड ऑफ साउंड निकाली, वो तकरीबन 101325 डिवाइडेड बाय 1.29, ये तकरीबन जो है 280 के करीब आई, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया, एक्सपेरिमेंटल जो वैल्यू कैलकुलेट की गई थी स्पीड ऑफ साउंड की एयर के अंदर, वो 332 मीटर पर सेकेंड थी एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो कि नोट डाउन की गई थी। तो इस तरह से न्यूटन की फाइंड आउट की गई वैल्यू और जो एक्सपेरिमेंटल करके की गई थी स्पीड ऑफ साउंड फाइंड आउट की गई थी, उनमें तकरीबन 60% का एरर आ रहा था। यानी कि न्यूटन का फार्मूला काफ़ी हद तक एप्लीकेबल था, क्योंकि इस फार्मूले की ही बदौलत हम लोगों को स्पीड ऑफ साउंड मालूम करना आया कि किस तरीके से हम स्पीड ऑफ साउंड डिफरेंट मटेरियल डिफरेंट मीडियम के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बस ये आ रही थी कि इसकी वैल्यू में और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में और न्यूटन की कैलकुलेट की गई वैल्यू में 16% का एरर था। ये एरर क्यों आ रहा था और किस वजह से आ रहा था? ये इस वजह से आ रहा था कि न्यूटन ने अपनी कैलकुलेशन के दौरान जो टेम्परेचर है उसे कॉन्स्टेंट माना था, और जब बाद में एक और साइंटिस्ट जो कि लैपलेस है उसने इसे करेक्ट किया, तो उसने टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट नहीं माना। इसे हम लोग अपनी अगली वीडियो में बात करेंगे कि इसमें जो एरर है इसे किस तरह से ख़त्म किया गया था।